सफल कृषि के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत है, हवा, पानी, धूप और मिट्टी। आज हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी के प्रॉपर्टीज जो है उसका तीन क्लासिफिकेशन तीन वर्गों में किया गया है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और तीसरा है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल फिजिकल मतलब भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में दो गुणधर्म महत्व रखते हैं, एक है मिट्टी का स्ट्रक्चर और दूसरा है मिट्टी का टेक्सचर। मिट्टी का स्ट्रक्चर यानी उसकी रचना और मिट्टी का टेक्सचर यानी उसकी बनावट। तो मिट्टी का अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर या दानेदार स्ट्रक्चर, और मिट्टी का अच्छा टेक्सचर जो है वो है सैंडी लोम मतलब रेतीली दोमट, उसको हिंदी में हम बोलते हैं रेतीली दोमट। अब देखते हैं मिट्टी के केमिकल प्रॉपर्टीज या उसके रासायनिक गुणधर्म। उसमें है मिट्टी का सामू या मिट्टी का पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिट्टी की, ऑर्गेनिक कार्बन, मिट्टी का फर्टिलिटी और मिट्टी में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका स्तर। तो आइए देखते हैं ये सामू का क्या महत्व है मिट्टी में। तो ये मित्रों जो अन्न द्रव्य है उसके आवश्यकता ज़्यादा होने के लिए यह सामू का बहुत ही महत्व है, या वैज्ञानिक भाषा में बोला जाए तो अन्न द्रव्य का पोषण जो है वो अधिक क्षमता से हो जाए, इसलिए इसके लिए मिट्टी का सामू जो है वो 6.5 to 7.5 होना चाहिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल या मिट्टी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या दर्शाती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिट्टी में क्षार का प्रमाण क्या है, वो अगर ज़्यादा है तो उसका नकारात्मक इन्फ्लुएंस मिट्टी में होता है। तो नकारात्मक इन्फ्लुएंस किस पे होता है मिट्टी के? तो वो न्यूट्रिशन अपटेक और वाटर अपटेक पे होता है। तो वो अच्छा क्या होना चाहिए, वो है 0.80 डेसीसीमेंस पर मीटर। तो अब तीसरा देखते हैं मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन या सेंद्रिय कर्ब। सेंद्रिय कर्ब जो है मित्रों वो मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ है उसके स्तर का निदर्शक है, और ये मिट्टी के जो तीनों गुणधर्म है मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, उस पर ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन उतनी अच्छी मिट्टी, ये इक्वेशन है। अब देखते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी या उसका उपजाऊपन या उर्वरकता। तो ये उसको फर्टिलिटी जो वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं, सॉइल साइंस की भाषा में बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सॉइल फर्टिलिटी क्या है? तो फर्टिलिटी ये मिट्टी की क्षमता है अन्न द्रव्य आपूर्ति करने की। मित्रों आपको मालूम है पौधों को 16 अन्न द्रव्यों की आवश्यकता है, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नत्र, स्फुरद, पलाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, आयन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर और बोरॉन। तो ये इसकी आपूर्ति करने की जो मिट्टी की क्षमता है उसको बोला जाता है सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सॉइल फर्टिलिटी मिट्टी की सुपिकता को दर्शाता है। अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमाण अगर 5% से ज़्यादा हो तो उसका नकारात्मक परिणाम होता है। तो मित्रों ये प्रमुख जो गुणधर्म है मिट्टी के वो ये थे। मित्रों अभी हमने देखा मिट्टी या मृदा के महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है। ये गुणधर्म आपके मिट्टी के अच्छे हैं या उसमें कुछ कमियां हैं ये देखने के लिए मिट्टी की जांच ज़रूरी है, और ये जांच करने के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की ज़रूरत है। तो मित्रों कहने में खुशी होती है कि स्मार्टकेम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की एक पुणे में स्थित सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है। ये सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी या प्रयोगशाला जो है वो 91 से कार्यरत है। ये प्रशिक्षित
और अनुभवी टेक्नीशियन से संचालित है। कहने में आनंद है या खुशी है कि ये इस क्षेत्र की पहली प्रयोगशाला है जिस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक जो है ISO 17025-2005 इससे प्रमाणित है। दूसरा मित्रों, इस प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच, सिंचाई पानी की जांच, प्लांट टिश्यू यानी पौध के जो उत्तक है उसकी जांच, फर्टिलाइज़र टेस्टिंग या उर्वरक की जांच, इन सब चीज़ों की जांच होती है और वो जांच होती है एक हाईटेक मशीन पे जो है ICP स्पेक्ट्रोमीटर। ये प्रयोगशाला स्मार्ट केम की ये जो प्रयोगशाला है ये पहली प्रयोगशाला है जहाँ रूटीनली ये सब चीज़ों की जांच ICP पे होती है। अभी देखते हैं ये जांच करने के बाद जो रिकमेंडेशन है वो किस तरह से होता है। तो मित्रों, आपको बताने में खुशी है कि आपकी मिट्टी की जांच करने के बाद उसका फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन, आपके फसल के लिए क्या फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है, ये जांच रिपोर्ट के साथ भी हम देते हैं। मतलब फर्टिलाइज़र एनालिसिस रिपोर्ट प्लस फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग। हमारी प्रयोगशाला में वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से ये जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो आपको ईमेल द्वारा या वेब पे डायरेक्टली अवेलेबल है।